जैसे एक मैंने यहाँ पर ले लिया, सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही बोल दिया, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -2.5 टू एक्स प्लस एक्स बाय 4 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, समझो ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो इस लाइन को सही से बनाओ। इस लाइन को सही से कैसे बनाया, एक्स बाय 4 प्लस ये कितना आ गया वाई बाई 3 माइनस 9, इसको एक साइड लेके आए। अब क्या करना है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये कोई लाइन होगी, यहाँ से मुझे ये डी डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कितना होगा माइनस 2 और ये 5 हो गया। तो क्या बताया था, डी इज इक्वल्स टू एल में वो पॉइंट रख दो, तो कैसे रखोगे, ये हो जाएगा -2/4, ये कितना हो जाएगा 5/3 -9 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट। अच्छा कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स का 4 नहीं है, 1/4 है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ये मॉड। इसको क्या करो तुम, कैलकुलेट कर लो, आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम क्या करो, पहले से इसको क्या करो, लाइन को सही से बना लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y, ठीक है, नीचे कितना आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 9 कितना होता है 108, राइट, आई होप। बस ऐसे लिख लो, फिर पॉइंट्स रख दो, बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, कोई भी जनरल लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर ओरिजिन से कर रहा हूँ तो मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हुआ, बस क्या हो गया एक्स वन वाई वन क्या हो गया 0.0 हो गया, तो एक्स वन कॉमा 0/0 हो गया, तो ये डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल में, मैं क्या डाल दूंगा ओरिजिन डालूंगा और डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम यहाँ पर देखो, ध्यान दो, अगर यहाँ पर तुम 0 डालते हो तो क्या होता है, ये वाला पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, सिर्फ सिंपली क्या बचेगा सी डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या हो गया मॉड ले लिया, बस समझ में आ रहा है। अच्छा अगर तुम्हें अगर याद है तो जैसे नॉर्मल फॉर्म में जब हमने रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया था, रिडक्शन फार्मूला किसके लिए, जब हमने जनरल इक्वेशन को रिड्यूस किया था नॉर्मल फॉर्म में, तो जो पी आया था वो पी क्या था, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एल, चेक करना वो भी यही था, सही भी है, ठीक है, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से याद कर लिया। सेकेंड यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सेकेंड मतलब बेसिकली ये थर्ड हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसे ले लिया। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे करेंगे, कोई दो पैरेलल लाइन ले ली। अच्छा पैरेलल लाइन में दोनों में फर्क क्या होता है, बस कांस्टेंट का ही तो फर्क होता है, बाकी इसमें ये जैसे ये वाला टर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये सी वन ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई इतना तो सेम ही रहेगा, बस कांस्टेंट टर्म क्या होगा मैंने चेंज कर दिया सी टू, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। और इनके बीच की मुझे डिस्टेंस चाहिए तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये ऐसे हो गया, ये समझ में आता है क्या कर रहे हैं, ठीक है फाइन। अब मुझे इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है कुछ एक्स वन वाई वन है, तो और ये वाला पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, चलो ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे ले ली, ये वाली लाइन इस तरह से ले ली, ये लाइन को एल वन बोल दिया, ये लाइन को एल टू बोल दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एल वन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो L1 को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक क्वांटिटी आ रही है मेरे पास, ठीक है, इसका देखते हैं कैसे यूज करना है। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे अगर डिस्टेंस ही फाइंड करना है इधर, ठीक है इधर लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ही फाइंड करना है तो मैं तो क्या बोलूँगा, ये एक पॉइंट है, ठीक है, देखो ये वाला यहाँ पर ध्यान दो इधर, ये वाला एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो ये तो बेसिकली क्वेश्चन किसका हो गया था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन में वो वाले पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। पर यहाँ पर एक्स वन और वाई वन तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी ना, देखो इधर दो, यहाँ से मैंने क्या किया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन को ऐसे लिख लिया माइनस सी, और इसको जाके वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, डी डिस्टेंस इज ये हो जाएगा सी टू माइनस सी वन, ठीक है, इस पूरे को किसको, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया माइनस सी वन,
तो ये कितना हो गया सी टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कोई डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकालना है तो दोनों के ये ए एक्स प्लस बी वाई वाले टर्म सेम होना चाहिए। अगर दोनों के सेम नहीं तो सेम बनाओगे, तो अगर सेम नहीं बनाओगे और फिर फॉर्मूला लगा दिया फिर तो गलत कर दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने बोल दिया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे ले लिया चलो 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और इसको ऐसे ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बीच में चाहिए मुझे डिस्टेंस। तो पहली बात तो तुम नोटिस करो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्यों पैरेलल लाइंस है? क्योंकि इसके लिए स्लोप में कैसे लिखूंगा, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। इसके लिए मैं स्लोप कैसे लिखूंगा, माइनस 4/6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा। दोनों सेम है तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पर ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई वाले टर्म को सेम बनाओ, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई वाले टर्म को क्या बनाओ, सेम बनाओ, ठीक है। तो तुमने कैसे बना दिया, ये लाइन L1 तो चलो ऐसी था 2x1, ये 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और इस लाइन L2 में मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया सबको, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 3y, ये कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 0। बस एक बार तुमने ये कर दिया तो वाला फॉर्मूला लगा लो, d इज इक्वल्स टू क्या था यहाँ पर c2 माइनस c1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा c2 माइनस c1 लिखो या c1 माइनस c2 लिखो, बात एक ही है क्योंकि यहाँ तो मॉड लगा हुआ है, ठीक है। माइनस साइन जो भी जनरेट करेगा वो तो उसको प्लस बना देगा। तो c2 माइनस c1 कैसे बोल दिया, 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर और ये कितना हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, इसको कर लो कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। आई होप ये समझ में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ओके तो इसके बाद एक नोट लिखा, नोट क्या लिखा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक लाइन ले लिया, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, मैं पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी लाइन की। तो मुझे बताओ मिनिमम डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम बोलोगे ये थोड़ी ना मिनिमम डिस्टेंस है, ना कि ये मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा एक लाइन से, समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लाइन फिक्स है तो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, ये लाइन क्या है फिक्स है, फिक्स लाइन है यहाँ पर, ओके। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इफ लाइन इज फिक्स्ड। आई होप ये समझ आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे डिस्टेंस तो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोल दिया, नोट वन बोल दिया। वैसे मैंने क्या किया, नोट टू ले लिया। तो नोट टू में मैंने क्या किया, अब मैंने लाइन को वेरिएबल रखा है और ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। लाइन यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर चलो ये पी पॉइंट ऐसे ले लिया, चलो लाइन को इधर से ही पास करा दिया, ठीक है। चलो इधर से नहीं, दूसरा कुछ ले लेते हैं, ऐसे लाइन बना लिया, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट फिक्स है, ठीक है। और ये एक लाइन है ऐसे, ये एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइन है। अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ओके। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो तुम मुझे बताओ कौन सी डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर तुम जो मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की तो ये तो क्या होगा, ये तो बहुत पास हो जाएगा इसके, ठीक है, ऐसे ये तो इतना पास हो गया इसके। सेकंड वाले के लिए करूंगा, मतलब इसके लिए करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो तभी होगा जब ये और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये और ये वाला पॉइंट के कोई परपेंडिकुलर लाइन बन जाए ऐसे। देखो ध्यान दो इधर, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा इधर ऐसे, तो ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा, कोई भी अगर तुम लाइन लेते हो तो क्या होगा, जैसे लाइन अगर यहाँ पर ऐसे फोल्ड हो जाएगी तो डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, या लाइन अगर समझो और मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया तो डिस्टेंस तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ से। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, अगर
यहां पर क्या हो, लाइन परपेंडिकुलर हो जाए किससे, पी और क्यू से। तो यहां पर नेक्स्ट नोट क्या आ गया कि अगर लाइन वेरिएबल है, ठीक है, लाइन वेरिएबल है तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी पॉइंट से उस लाइन की तभी होगा जब वो लाइन उस पर्टिकुलर पी और वो क्यू से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि इफ लाइन इज वेरिएबल, लाइन इज वेरिएबल एंड पासिंग थ्रू इसको चलो क्यू बोल दिया, पासिंग थ्रू क्यू देन मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पी टू लाइन विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो जो पहला वाला पॉइंट क्या था, लाइन यहाँ पर फिक्स थी, तो लाइन यहाँ पर फिक्स थी इसलिए क्या मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। पर यहाँ पर अगर लाइन वेरिएबल है पर एक पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, तो यहाँ पर ना मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप समझ में आया क्या किया। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, इसी में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने ऐसे बोला फाइंड द लाइन पासेस थ्रू, ऐसे बोल दिया 1, 2, ओके, एंड इट इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 3, 7, देन फाइंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइंड लेट अ लाइन पासेस थ्रू Q 1, 2 and it is at a maximum distance from point P 3, 7 then find its equation। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने दे दिया, आई गेस तुमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, मैंने बोल दिया है, तुम चाहो तो उसको पॉज करके फिर से बैक करके रिपीट कर लो, सुन लो। तो इसका मतलब क्या बोल दिया कि एक लाइन है जो एक Q वाले पॉइंट से पास कर रहा है, ये Q वाला पॉइंट है, और बोल रहा है कि मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो Q वाले पॉइंट से तो पास करे पर P वाले पॉइंट से क्या रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने का मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो पी क्यू है, जो लाइन पी क्यू है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन है तभी हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो क्या कुछ नहीं किया, बस स्लोप निकाल दिया पी क्यू का। PQ का स्लोप कितना हो जाएगा, 7-2 अपन ये कितना हो जाएगा, 3-1 ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो अगर इसका 5/2 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्लोप ये हो जाएगा -2/5। बस स्लोप आ गया और ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है, बस लाइन बना लो, बना सकते हो लाइन, ये कितना हो जाएगा y-2 = -2/5 और ये हो जाएगा x-1। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा इक्वेशन। आइए पीछे समझ में आ रही क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये लाइन दे रखी है इस 3। तो वाई एक्सिस की खूबी क्या होती है कि कोई भी पॉइंट मैं ऐसे ले सकता हूँ 0, α, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन में क्या होना चाहिए, लाइन क्या क्या लिख दिया, 4x-3y-12 = 0 और ये डिस्टेंस कितना बोल रखा है इसने, d = 3। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, रख दो। फॉर्मूला क्या था, d = क्या करते थे अपन, l1 पे यहाँ पर p रख दिया, डिवाइडेड बाय रूट a² + b² तो यहाँ पर रख दो, ये कितना हो जाएगा, 4 में यहाँ पर ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3α - 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा √4² + 3² और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर, ठीक है, मॉड लिया है इधर, मॉड लेना है अपने को, भूलना नहीं अपने को मॉड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3α - 12, यहाँ पर नीचे पूरा खोलोगे तो 5 हो जाएगा और मॉड को जब ओपन कर दे तो कितना हो गया, +-3 आ गया। बस एक बार क्या करो, प्लस ले लो एक बार, माइनस ले लो, तो एक बार मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, प्लस ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, -3α - 12, ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया 15, 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3α, ये हो जाएगा 27, तो अल्फा कितना हो गया -9, ठीक है, एक तो ये हो गया, इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया इधर से, 0, -9, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, माइनस ले लिया, तो माइनस ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3α - 12, ये हो जाएगा -15, तो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -α, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया 1, इसका मतलब यहाँ से पॉइंट कितना हो गया 0, 1, मतलब ऐसे दो पॉइंट मिल गए मुझे, दो पॉइंट मिल गए जहाँ से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम ड्रॉप कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है।